गुड मॉर्निंग बच्चों, मदर सुभाष इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको एक्सरसाइज 6.1 बताई जा रही थी, जिसमें से प्रश्न नंबर 1 और 2 हो गए। प्रश्न नंबर 3 आज हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन है आकृति में, यानी आकृति प्रश्न में बनी हुई है, कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू दिया है, तो हमें सिद्ध करना है कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। ये प्रश्न में आप बना हुआ है, यह आकृति है, नाम इसके हैं पी क्यू आर। ये पी है, ये क्यू है और ये आर है, और जो बड़ी हुई लाइन है वो एस और टी है। ये एस है और ये टी है। अब प्रश्न में दिया है कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू ये प्रश्न में दिया है, हमें सिद्ध करना है पी क्यू एस इक्वल पी आर टी, कोण पी क्यू एस इक्वल कोण पी आर टी हमें सिद्ध करना है। उपपत्ति में आ जाइए, उपपत्ति में है कि एक अगर लाइन होती है उस लाइन पर दूसरी लाइन बाइसेक्ट करती है तो उन कोणों का योग होता है 180 अंश। हम मान लेते हैं एस की रेखा है, उस पर पी की रेखा खड़ी है, तो कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर इन दोनों का योग 180 अंश होगा, क्योंकि रैखिक युग्म है। क्या लिखेंगे, कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर, पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर इक्वल हो जाएगा 180 अंश। क्यों, क्योंकि रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है। एक लाइन है, उस लाइन पर दूसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है, उन दो कोणों का योग 180 अंश होता है। इसी प्रकार से उधर लेते हैं कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू, ये भी हो जाएगा 180 अंश, क्योंकि क्यू आर टी पर एक पी आर रेखा खड़ी है, इन दो कोणों का योग 180 अंश होगा, और वो भी रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म का मतलब होता है जब किसी लाइन पर दूसरी लाइन आकर मिलती है तो उन दो कोणों का योग 180 अंश होता है, जिसे बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। एक यह समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है। अब देख रहे हैं कि दोनों समीकरण कोण 180 अंश के बराबर हैं, तो इन दोनों समीकरणों को बराबर कर देते हैं। यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180 दिया है, 180 का मान क्या है, यहां भी 180 दिया है, जिसका मान हो गया कोण पी आर टी, कोण पी आर टी और प्लस कोण पी आर क्यू, ये हो गया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है पी क्यू एस बराबर पी आर टी, तो इनको लेटेस्ट करना है हमको पी क्यू आर और पी आर टी, पी
पीआरक्यू को गैप करना है। तो यहां लिख देते हैं कोण पीक्यूएस प्लस कोण पीक्यूआर बराबर कोण पीआरटी प्लस पीआरक्यू बराबर कोण पीक्यूआर दिया है, तो हम पीआरक्यू के स्थान पर कोण पीक्यूआर ले सकते हैं, या लिख देंगे कोण पीक्यूआर बराबर लिख दीजिए क्योंकि कोण पीक्यूआर बराबर कोण पीआरक्यू ये दिया है उसमें, इसलिए उसको लिख दिया गया है। दिखाई दे तो मुझे दिखाई दे रहा होगा, आगे देखिए यहां लिखते हैं कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर टी प्लस कोण पी क्यू आर, क्यों? क्योंकि प्रश्न में दिया है कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, ये प्रश्न में दिया है, ठीक है, इसलिए उसको लिख दिया है। अब जो है पी क्यू आर से पी क्यू आर कट गया, तो आ गया कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, ये आपको सिद्ध करना था प्रूव, ठीक समझ आ चुके, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर चार, प्रश्न चार है उसमें भी आकृति दी हुई है और दिया है x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, तो सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है, कुछ चीज बना लेते हैं पहले, एक ये रेखा है, एक लड़ी जाती है और एक ये x है, ये y है, जेड है, ये डब्ल्यू है और ये वाई है, बिंदु ये है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये डी है। तो प्रश्न में दिया है एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, प्रश्न में दिया है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए ओ बी एक रेखा है। आते हैं उपपत्ति में, उपपत्ति में देखते हैं कि अगर इन चारों कोणों को ले लिया जाए तो ये चारों कोणों का योग क्या होगा, 180 अंश होगा। तो ले लेते हैं कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड चारों कोणों का योग होता है 360 अंश, तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड का मान दिया है x प्लस वाई, तो ब्रैकेट में भी x प्लस वाई को ले सकते हैं बराबर 360 अंश, क्यों? क्योंकि दिया है x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड दिया है, रख दिया ये जुड़ जाएगा, x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई बराबर हो गया 360 अंश, तो हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल 360, 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई इक्वल 360, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 360 बटे 2 से काट दीजिए आ जाएगा 180 अंश, आता है यानी x प्लस वाई बराबर आ गया 180 अंश, लिख देंगे
अतः ए ओ बी एक रेखा है, ये हम घोषित करना था। ठीक समझ आया, ए ओ बी रेखा क्यों है, क्योंकि जो सीधी रेखा होती है वह कोण एक्स एक्सिस होता है उसी को बोलते हैं रिज कोण, ये आपको सिद्ध करना था। ठीक, तो एक्सरसाइज 6.1 के चार क्वेश्चन हो गए हैं, दो और बचे हैं, उन्हें हम जो है आपको कल बता देंगे। ठीक है, इसे समझ ले जाते, फिर से ए बी एक रेखा है, उस पर ओ सी और ओ डी है, इन चारों कोणों का योग क्या होगा 360 अंश होगा, तो मैंने दिया है x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360 अंश। अब प्रश्न में दिया है x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, तो डब्ल्यू प्लस जेड बराबर प्लस वाई, डब्ल्यू प्लस जेड के स्थान पर हम x प्लस वाई ले सकते हैं, तो x प्लस वाई ये भी है और x प्लस वाई ये भी है, दोनों जोड़ लिया गया तो हो गया 2x प्लस 2y, दो कॉमन ले लिया तो हो गया x प्लस वाई बराबर 360 अंश, दो गुणे में भाग में जाएगा 180, तो x प्लस वाई का मान 180 आ गया, इसका मतलब क्या है x प्लस वाई बराबर 180, तो क्या हो जाएगा ए ओ बी एक सरल रेखा हो जाएगी, क्योंकि जो सरल रेखा होती है उसका कोण 180 होता है, उसी को हम रिज कोण बोलते हैं। ठीक, यहां तक आप लगा लीजिएगा, जब इस ये वाला सवाल कम से कम एक से दो बार वीडियो देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।